वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए हिंदी के कुछ ऐसे इंपोर्टेंट अतिलघु प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपसे आगे आने वाली शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंगम शब्द का विलोम लिखिए। तो जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का विलोम होता है स्थावर। ये आप याद कर लें कि जंगम का विलोम होता है स्थावर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जंगम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट नंबर पर रखा है। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो सदाचार में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? सत। सदाचार में क्या उपसर्ग है? सत उपसर्ग। सत धन आचार मिलकर बना हुआ है सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? पांडव में कौन सा प्रत्यय होता है? पांडव में होता है तद्धित प्रत्यय। ये आप याद कर लें, पांडव भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री। क्या होता है? कवयित्री। ये कवयित्री आप ध्यान से लिखना सीख लें। कवयित्री इस तरह से लिखा जाता है। ये वा पे छोटी की मात्रा नहीं होती है। ये अक्सर शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी पूछ लिया जाता है कि आपको कवयित्री वा पे ई की मात्रा लगा के लिख देगा, वो पूछेगा इसका शुद्ध रूप लिखिए। तो वा पे ई की मात्रा नहीं होती है, केवल या पे ई की मात्रा होती है। तो कवयित्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थी में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो स्वार्थी में कौन सी संधि है? स्वधन अर्थी, अधन आ बराबर बड़ा आ, यानी कि दीर्घ संधि। स्वार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द का समास विग्रह करें। नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नील प्लस कंठ। जब आप इसका इस तरह से समास विग्रह करेंगे, नील प्लस कंठ, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। और अगर आप इसका समास विग्रह ऐसे करेंगे कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो ये आप ध्यान रखें, जब आप इस तरह से इसका समास विग्रह करेंगे, नील प्लस कंठ, तो कर्मधारय समास। और अगर आप इसका समास विग्रह इस तरह से लिखेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है? मीनाक्षी होता है दुर्गा का पर्यायवाची। और दुर्गा के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं? एक होता है अजा, एक होता है चामुंडा, एक होता है चंडिका। तो आप ये याद कर लें, पर्यायवाची जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, दुर्गा काफी इंपोर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची? तो मीनाक्षी किसका है? दुर्गा का। और दुर्गा के और कौन से हैं? अजा, चामुंडा, चंडिका, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जोखिम उठाना। क्या होता है? जोखिम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का तत्सम शब्द लिखिए। तो गेहूं कैसा शब्द है? गेहूं है तद्भव। और गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम। अगर आपने हमारी तत्सम तद्भव वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर आप एक बार वो वीडियो देख लेंगे, तो आप तत्सम तद्भव जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनी का शब्द लिखिए। ये लिख देता है इस तरह से अंतरराष्ट्रीय, और आपसे लिखवाता है कि शुद्ध लिखिए। तो इस तरह से शुद्ध रूप में लिखा जाता है अंतरराष्ट्रीय। इसे आप ध्यान से देख लें, ये है शुद्ध अंतरराष्ट्रीय। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय अक्सर शुद्ध रूप में लिखने के लिए पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या होता है वाक्य शब्द? होता है अनुगामी, यानी कि पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये तो आपको याद ही होगा कि पीपर पात सरिस मंडोला में होता है उपमा अलंकार। ये आप याद कर लें कुछ पंक्तियां, जिससे कि आप देखते ही उसे लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। ये भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो आप याद कर लें, हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक शब्द का संधि विच्छेद लिखिए। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पौ धन अक। पौ धन अक, औ धन अ मिलके बन जाता है आव। और ये कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। तो पावक में कौन सी संधि है? अयादि संधि। और पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पौ धन अक। तो ये थे हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट अतिलघु प्रश्न जो आपसे आगे आने वाली शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
क्वेश्चन है, गौरव शब्द का विलोम लिखिए। आपको गौरव का विलोम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ ही आपको बताना है कि इन 15 क्वेश्चन में से पहले से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर लगातार आता रहता हूँ। तो अब दबाओ लाइक, बताओ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को कर दो शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।